गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रात को यहाँ पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो गई, तो इसलिए मैं कुछ दिखा नहीं पाई। अभी यहाँ का पूरा व्यू देख रहे हैं और यहाँ चेरी ब्लॉसम भी होता है। नवंबर के आसपास में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है, तो अभी चेरी का पेड़ देख रहे हैं। जैसे इस साल 17 नवंबर से चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं चेरी का पेड़, 1, 2, 3, 4 बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं। तो रास्ते में और हमें कितना देखता है देखते हैं। हमारे ड्राइवर भी आ चुके हैं, अब हम लोग घूमने के लिए निकलने वाले हैं। वैसे तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जापान में मनाया जाता है, लेकिन कुछ सालों से इंडिया के शिलोंग में भी शुरू किया गया है। जापान में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मार्च के महीने में मनाया जाता है और शिलोंग में नवंबर में मनाया जाता है। नवंबर का मंथ तो फिक्स रहता है, लेकिन डेट हर साल अलग अलग होता है, चेंज होता है। यहाँ पर भी इस फेस्टिवल को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है लोगों में, पहले से ज़्यादा है। फिर भी अभी भी बहुत लोगों को इस फेस्टिवल के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। तो शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। 2023 में इस बार 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं पूरा चेरी का पेड़ कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा पिंक चेरी का पेड़ है। इस साल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में कई सारे सेलिब्रिटी आ रहे हैं, जिनका पोस्टर कई जगहों पर लगाया हुआ है। इनमें से सनम मुझे बहुत पसंद है, मैं इनके गाने हमेशा सुनती रहती हूँ। इस साल ये फेस्टिवल 3 दिनों तक मनाया जा रहा है, तो 17, 18, 19 तक यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जाएगा। जिस दिन से फेस्टिवल स्टार्ट होगा, उस दिन ही हमारा वापस जाने का टिकट किया हुआ है, इसलिए फेस्टिवल तो इंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ, पर हमें चेरी के बहुत सारे पेड़ देखने को मिले। तो आप जब भी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल देखने आएं, तो डेट ज़रूर सर्च कर लें गूगल पर सर्च करके, उसके बाद ही टिकट करें। चेरी के पेड़ देखने के लिए आपको किसी फिक्स डेस्टिनेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप साइट सीन के लिए निकलेंगे, रास्ते में ही आपको चेरी के पेड़ दिखते जाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की लगभग सारी जानकारी दे दी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा शिलोंग का ट्रिप दिखाऊंगी, शिलोंग में हमने क्या क्या साइट सीन किया वो सब आपको मैं दिखाऊंगी। जापान में व्हाइट और पिंक दोनों कलर के चेरी के पेड़ दिखते हैं, यहाँ पर ज़्यादा मुझे पिंक ही दिखा, 1-2 मुझे व्हाइट भी दिखे। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।